है पारसपुरा प्रांत। हाँ, और वो नगर के ठीक मध्य में प्रांत प्रमुख जगत जला का भवन। इतनी चहल पहल, प्रतीत हो रहा है कि इस गांव में कोई उत्सव की तैयारियां चल रही है। आचार्य, इस प्रांत में तो प्रजा से अधिक सैन्य बल दिख रहा है। यहाँ आश्रय लेना अत्यंत ही कठिन होगा। इसीलिए तो इस स्थान का चयन किया। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें जगतजला के भवन में आश्रय लेना होगा। क्या, किंतु हम ये कैसे करेंगे आचार्य? मेरे पास एक योजना है। क्षमा करें भद्र, आचार्य आपने उस दास को जानबूझकर धक्का दिया, पर क्यों? इसके लिए ये एक विशेष पहचान चिन्ह है जो जगतजला के सभी कर्मचारियों के पास रहता है। उसके सभी स्थायी सेवक और सेविकाएं इसी पहचान चिन्ह की सहायता से ही उसके भवन में प्रवेश करते हैं। अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, इस पहचान चिन्ह को प्राप्त करना, क्योंकि केवल यही पहचान चिन्ह हमें धनानंद और उसके सैनिकों से सुरक्षित रख सकता है। ये बनेगा अब हमारी ढाल। भद्र, आप इसे ढूंढ रहे हैं? जी। प्रतीत होता है मार्ग में वहां गिर गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका महोदय। सुनिए, ये सारे प्रबंध किस उपलक्ष्य में हो रहे हैं? वो क्या है ना, हम यात्री हैं और एक छोटे से गांव बरसाला से आए। हमने जीवन में कभी इतना भव्य उत्सव नहीं देखा। अरे, आज बहुत ही रोमांचक दिन है। हमारे नगर प्रमुख जगत जला जी के पुत्र मार्तंड और नगर के अन्य मुखियाओं के पुत्रों के बीच एक बहुत ही विशेष और जटिल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये सारा प्रबंध उसी के लिए है। अच्छा अच्छा, मुझे देर हो रही है। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? जगत जला के पुत्र मार्तंड को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतियोगिता। किंतु यदि वो वास्तव में इतना श्रेष्ठ है तो उसे प्रमाणित करने के लिए उसके पिता को इतना भव्य समारोह क्यों आयोजन करना पड़ रहा है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो सत्य में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। शक्ति प्रदर्शन केवल वही करते हैं जिन्हें स्वयं अपनी शक्ति पर संदेह होता है। जगत जला अपने दुर्बल पुत्र मार्तंड को संपूर्ण नगर के समक्ष सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके ये प्रमाणित करना चाहता है कि उसका पुत्र उसके स्थान पर नगर प्रमुख बनने के लिए पूर्णतः योग्य हो चुका है। ऐसे नहीं, तलवार ऐसे उठाते हैं सीधा। सीधा पकड़ो, ऊपर उठाओ।
सीधा ऊपर उठाओ, सीधा पकड़ो, अपनी कलाइयों को झुकाओ नहीं, कलाइयों को सीधा रखो। देखो मार्तंड, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। तुम्हारे कारण आसपास के गांव के मुखिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ललकारने लगे हैं। उनका मानना है कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य ही नहीं हो। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी के पुत्र को परास्त करके उन्हें मान कर दो, सदा सदा के लिए मर रहे। ये केवल तुम्हारे नहीं, मेरे भी सम्मान का प्रश्न है। किसी भी मूल्य पर तुम्हें जीतना होगा, अन्यथा तुम जानते हो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करूंगा। आप चिंता ना कीजिए पिताश्री, मैं विफल नहीं होऊंगा। यही बात पूरे विश्वास के साथ कहो कि पिताश्री मैं जीतूंगा। पिताश्री मैं ही जीतूंगा। और आत्मविश्वास के साथ। पिताश्री मैं अवश्य जीतूंगा। आरे उसने कहा तो सही वो जीतेगा, अब रहने भी दीजिए। आगे से अपना स्थान याद रखना मूर्ख स्त्री। एक प्रांत प्रमुख और उसके उत्तराधिकारी के मध्य बोलने का दुस्साहस फिर कभी ना करना। देखो मार्तंड, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। ये प्रतियोगिता हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। तुम्हें जगत जला के पुत्र मार्तंड को इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह विजयी बनाना होगा। यदि एक बार तुमने ऐसा कर दिया तो फिर जगत जला के भवन के द्वार हमारे लिए स्वतः खुल जाएंगे।